असलम फ्रेंड्स आज हम चैप्टर नंबर थर्टीन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टिविटी जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए तो हमारे पास लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट वॉलीम ऑफ सबिस्टेंस नोन एज रजिस्टिविटी तो फिलहाल आप इस डेफिनेशन को रहने दें पहले हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं उसके बाद हम इस डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि रजिस्टेंस यानि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यानी कि लेंथ ये मैं आपको वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँगी कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे ऐसा रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के साथ जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ऐसा क्यों होता है क्योंकि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतने जो नंबर ऑफ एटम्स हैं विद विच कॉलेजन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस तो जितने नंबर ऑफ़ कॉलिजन ज़्यादा होंगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी सिंपल ठीक है उसके बाद हमने लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया अब अगर हम कहें कि वायर रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तो हमें पता है कि जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होती है उतना करंट ज़्यादा होता है लेकिन हम कह रहे हैं एट अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक पोटेंशियल uh, डिफरेंस पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है थिन और थिक वायर्स में सेम होती है क्योंकि हमने कहा कह दिया कि एट गिवन पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम एक ही रखें तो हम कहेंगे कि थिन और थिक वायर्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होती है पर थिक वायर्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पर यूनिट टाइम और ये क्या देता है हमें करंट देता है थिक वायर्स में मोर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पर यूनिट टाइम जो कि करंट देता है यानी कि करंट थिक वायर्स में क्या होता है ज़्यादा होता है हैंस मोर विल बी दी करंट एंड लेस इज दी रेजिस्टेंस तो आ, ये वजह है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के साथ उसके बाद अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तो हमने एल अपॉन ए लिखा हुआ है उसके बाद अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो इजिकल टू की साइन आएगी और जो कांस्टेंट ऑफ़ प्रोपोर्शनलिटी आएगा इसे रेजिस्टिविटी कहते हैं तो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए ये जो रो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं अब अगर इसको रो को इस तरफ लेकर जाएँ तो हमारे पास आर ए अपॉन एल आ जाएगा तो ये जो रेजिस्टिविटी है इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे जस्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग आर ए अपॉन एल फार्मूले के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम इसके यूनिट की बात करें रेजिस्टिविटी के यूनिट की बात करें तो जैसा कि फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे आर ए अपॉन एल है तो आर का जो यूनिट होता है वो होता है ओहम और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ है जिसका यूनिट होता है मीटर 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 में कैंसिल हो जाएगा लेकिन ऊपर मीटर का स्क्वायर है तो एक मीटर रहेगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ओहम मीटर तो रेजिस्टिविटी का यूनिट याद रखिएगा ओहम मीटर है अच्छा और भी इनके जो बेस एस आई यूनिट और डायमेंशनस वग़ैरह हैं तो वो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको वो सारे ड्राइव करना सिखाऊंगी उसके बाद अगर हम बात करें कि रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है लेकिन रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती यानी कि ना एरिया पर डिपेंड करती है ना लेंथ पर डिपेंड करती है और ना ही वॉल्यूम पर डिपेंड करती है तो यानी रेजिस्टिविटी की आपको डिपेंडेंस याद रखनी है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और इनडिपेंडेंट होती है डायमेंशनस यानी एरिया लेंथ और वॉलीम के अगर हम बात करें कि एरिया वन मीटर स्क्वायर हो और लेंथ वन मीटर हो यानी कि हमने जो वायर ली है अब अगर एरिया वन मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ वन मीटर होगी तो यानी जो हमने वायर ली होगी वो वन मीटर क्यूब की होगी यानी कि हमने जो वायर ली होगी वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो वन मीटर क्यूब होगा अगर एरिया वन मीटर स्क्वायर और लेंथ वन मीटर हो तो हम अगर इसको पुट कर देंगे फार्मूला में तो हमारे पास रिजिस्टिविटी यानी किसके इक्वल आ किस जाएगी आर यानी रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी तो हमने कहा था रेजिस्टेंस ऑफ वन मीटर क्यूब वायर इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी और इस रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो ऊपर लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ वर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबिस्टेंस नोन एज रेजिस्टिविटी सेम वही बात है कि रेजिस्टेंस वन मीटर क्यूब वायर की हो यानी कि वो वायर जिसका वॉल्यूम वन मीटर क्यूब हो तो इस इसकी जो रेजिस्टेंस होगी इसको क्या कहेंगे रेजिस्टिविटी कहेंगे होप कि आपको इस रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक से काफ़ी हेल्प हुई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर तो वो देखना भी मत भूलिएगा थैंक यू